सबसे पहले बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता दें, सीएम के साथ सरपंचों की पहले दौर की बैठक खत्म हो चुकी है। तो पहले दौर की बैठक को लेकर जानकारी ये है कि मांगों पर सकारात्मक चर्चा हुई है, बात बनने की दिशा में बात आगे बढ़ रही है। तो पहले दौर की बैठक खत्म, अब सरपंच डिनर कर रहे हैं, किसी भी पल दूसरे दौर की बैठक शुरू होने वाली है। तो दो चरणों में देखिए बैठक हो रही है, सीएम से सरपंचों के डेलीगेशन की बैठक जारी, 25 सदस्यीय डेलीगेशन मुलाकात कर रहा है। और पहले दौर की बैठक खत्म होने के बाद सरपंच बाहर भी आए, ये कहा गया कि मांगों पर सहमति बन गई है, अब दूसरे दौर में एक बार फिर से चर्चा होगी। तो 16 मांगों को लेकर मांग पत्र सीएम को सौंपा गया है, जिसमें प्रमुख तौर पर मांग ये है कि 20 लाख की राशि जिसके तहत सरपंच विकास कार्य करा सकते थे उसे अब 50 लाख कराया जाए, उसे 50 लाख किया जाए। हालांकि सरकारी से 2 लाख रुपए कर चुकी थी टेंडरिंग के तहत। सभी मांगों पे पॉजिटिव रिस्पांस है, जो हमारे जितनी भी मांग थी वो पटल पे रखने का हमने काम किया। तो अपनी ऑफिसर लॉबी के साथ जो हमारी मांगे थी उन पे चर्चा कर रहे हैं और ये कामना करते हैं कि आधा घंटा के बाद पॉजिटिव रिस्पांस आएगा, हमारी मांगे सिरे चढ़ जाएगी। धन्यवाद। सारी हमारी मीटिंग हुई है और हमें पूरा आश्वासन है सरकार हमारी, मुख्यमंत्री जी हमारी बात को समझेंगे और वो भी एक अपनी लॉबी के साथ चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद जो भी आगे बात होगी। चलिए सीधे चंडीगढ़ आपको लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता रवि कालीरमन इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, बात बनती नजर आ रही है पहले दौर की बैठक और सकारात्मक चर्चा होने की जानकारी मिल रही है। सरकार की तरफ से आया है पॉजिटिव रूप, डेलीगेशन जो है उसकी तरफ से आया है। अब कहीं ना कहीं दूसरे दौर की जो वार्ता है वो फिर रुकने वाली, कुछ देर शुरू हो जाएगी। अगर पहले दौर की अगर बात की जाए तो 16 बिंदुओं पर चर्चा की गई है, तमाम विपक्षों की तरफ से सुझाव लिए जा रहे हैं, अधिकारियों की तरफ से सुझाव जो है वो लिए जा रहे हैं, सरकार से आपसी सहमति जो है वो बन सके। बीच में कहीं ना कहीं अगर आपकी बात की जाए जो है कहीं ना कहीं सरकार से जो लंच है माफी जो डिनर है वो डिनर के लिए जो है आधे घंटे का समय रखा गया था और अब से कुछ देर बाद जो है दोबारा से ये बैठक शुरू होने वाली है। करीब 5-7 मिनट में दोबारा दूसरे चरण की जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। अब तक के रुझान जिस प्रकार से सरपंच जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं, तमाम जो सरपंच प्रतिनिधि है उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि सकारात्मक माहौल में सीएम तमाम जो बातें हैं वो सुन रहे हैं, तमाम जो बिंदु है उन पर चर्चा की जा रही है और उसके साथ साथ जो आधे घंटे का गैप जो डिनर के तौर पर दिया गया उसमें तमाम अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री बैठकर बातचीत भी कर रहे हैं कि इस प्रकार से कौन सी मांग को किस प्रकार से सिरे चढ़ाया जा सकता है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी सबसे बड़ी जो मांग है ई टेंडरिंग पॉलिसी जिसमें सरकार ने 2 लाख रुपए तक की सीमा की थी, उसमें क्या कुछ बदलाव किया जा सकता है, कैसे बदलाव किया जा सकता है, कौन से ऐसे सुझाव है जिनमें सरकार को भी दिक्कत ना आए और जिनमें सरपंच एसोसिएशन की तरफ से भी उनको कोई दिक्कत ना आए, तो इस प्रकार का बीच का रास्ता खोजने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। साथ साथ अन्य जो मांगे हैं जो कि उन पर भी जो है काफी पॉजिटिवली चर्चा हुई है, आधे से एक घंटा और ये बैठक जो है दोबारा शुरू होने के बाद चलने की उम्मीद जताई जा रही है, करीब 1 घंटा मैक्सिमम 1 घंटा के आसपास ये बैठक और चल सकती है। तो अगले 1 घंटे में तस्वीर जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी, किस प्रकार से क्या रुख जो है सरकार का रहता है, किस प्रकार से क्या रुख जो है सरपंच एसोसिएशन की तरफ से रहता है, क्योंकि लगातार मांग की जा रही है लंबे समय से, तमाम जो सरपंच एसोसिएशन है उसके प्रतिनिधि हैं वो सड़कों पर बैठे थे, अपनी मांगे मनवा रहे थे, ऐसे में कहीं ना कहीं अब उनको एक थोड़ा सा हौसला मिला है। देखिए हमने पहले भी बात की, जितना वक्त दिया थे सीएम ने उससे कहीं ना कहीं ये मायने तो निकाले ही जा रहे थे कि आज सीएम या सरकार सरपंचों को मनाने के मूड में है। और अब जैसे डिनर का भी इंतजाम किया गया है, डिनर के बाद दूसरे दौर की वार्ता आके, तो कहीं ना कहीं सभी मांगों पर सहमति बने, ये सरकार का भी प्रयास है। इस प्रकार से 3 घंटे की मैराथन, 3.5 घंटे लगभग 3.5 घंटे पहले दौर की जो वार्ता वो चली है, अपने आप में जो काफी चीजें हैं वो क्लियर कर देती है इतनी लंबी बैठक, क्योंकि देखिए अगर सहमति नहीं बननी होती जिस प्रकार से मांगे सरपंच एसोसिएशन की तरफ से की गई थी, 50 लाख रुपए टेंडिंग की जो राशि है वो बढ़ाया जाए, अकाउंट फ्री किए जाए, या फिर अन्य जो मांगे थी जो राइट टू रिकॉल है वो विधायक और सांसदों पर लागू किया जाए, एसीआर देखने की बात जो है तमाम पंचायत विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की जो है सरपंच को याद किया जाना चाहिए, ये तमाम जो मांगे थी इन पर कहीं ना कहीं सहमति बन रही है, ये सभी इतना समय लगता है।
क्योंकि देखिए अगर बात बिगड़नी होती तो पहले दौर की बैठक में पहले आधे घंटे तक बिगड़ सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी मुख्य मांग जो है ई टेंडरिंग की है, 80-50 लाख को लेकर सरपंच अड़े हुए थे। अब कहीं ना कहीं सरपंचों की तरफ से भी थोड़ा सा जो है जो सख्त रूप अपनाया हुआ था उसको थोड़ा सा ढीला किया जा रहा है, सरकार की तरफ से भी कुछ आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तालमेल तो पहले दौर की बात दोनों ही पक्षों को कदम बढ़ाने होंगे तभी कोई बात बन पाएगी। और रवि देखिए आज दिलचस्प ये है कि हमने जो मांग पत्र पढ़ा उसमें सरपंचों की ओर से लिखा गया है कि हम ई टेंडरिंग के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो राशि के विकास कार्यों की जो सरपंच करा सकते हैं उसे 20 लाख से 50 किया जाए। तो एक बात तो ये है कि ये जिद तो छोड़ दी गई है कि ई टेंडरिंग वापस हो ही हो, लेकिन जो राशि है वो बहुत बड़ी है, उसको लेकर क्या रास्ता आज निकलेगा बैठक में ये भी देखना बेहद अहम रहेगा। बिल्कुल ज्योति, देखिए अगर ई टेंडरिंग की राशि की अगर बात की जाए, जिस प्रकार से सरपंच प्रतिनिधि ये लगातार कह रहे थे कि हमें जो राशि है वो बढ़ाई जाए, 50 लाख की मांग कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं 50 लाख से अगर नीचे आते हैं तो सरपंचों को भी दिक्कत नहीं होने वाली, और कहीं ना कहीं सरकार से 2 लाख पर सरकार भी अड़ी हुई थी तो उस पर भी सरकार की तरफ से विचार किया जा रहा है कि कितना और बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ साथ एक चीज और जो है वो निकल करके दबे तौर में भी बाहर आ रही है कि सरपंच भी कहते हैं कि ई टेंडरिंग के थ्रू जो बिड डाली जाती है तो जो कहीं ना कहीं जो ई टेंडरिंग के थ्रू जो कोटेशन डाली जाती है वो सरपंचों से डिलवाई है, सरपंच भी इसकी हिस्सेदारी कर सके, तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकलने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरपंच भी आगे आके ये काम जो है सरपंचों के थ्रू ही करवाया जाए, सरपंच इसमें ई टेंडरिंग के थ्रू अपनी बिड डाल सकते हैं, जिसकी कम पर बिड होगी वो टेंडर को ले लेगा, इस प्रकार की बातें जो कहीं ना कहीं सामने आ रही है। तो देखिए अब आने वाला जो समय है अगर एक घंटे की जो बातचीत और चलनी है उसमें तमाम चीजें क्लियर हो जाएगी, कौन सा ऐसा बिंदु है, कहीं ना कहीं तमाम बिंदुओं पर बातचीत एक बार जरूर हो चुकी है। अब जो डिनर का समय दिया गया था आधा घंटा, उसमें तमाम जो सरपंच प्रतिनिधि थे वो डिनर कर रहे थे, मुख्यमंत्री अपने तमाम अधिकारियों के साथ जो बैठकर बातचीत कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव वे है और 3.25 घंटे बैठक करना अपने आप में एक पॉजिटिव ही माना जाता है। अगर बात बिगड़नी होती है तो पहले आधे घंटे में तो रवि कुल मिलाकर आने वाला 1 से 1.5 घंटा बेहद निर्णायक साबित होने वाला है। अब देखना ये है कि क्या सभी मांगों को मान लिया जाता है, क्या कुछ मांगों पर सरपंच मान जाते हैं, कुछ पर सरकार को मना लिया जाता है, क्या विकल्प ढूंढा जाता है, क्या तोड़ निकाला जाता है इस विरोध को लेकर। बहुत शुक्रिया रवि, अहम जानकारी आप दे रहे थे। तो चंडीगढ़ की हमने बात की, हरियाणा निवास में पहले दौर की बैठक सरपंचों और सीएम के बीच खत्म हो चुकी है, सकारात्मक चर्चा हुई है, दूसरे दौर की वार्ता